class 5th. In our previous class, we have already started chapter number 23, our heritage. And in this chapter, we have studied about Chittorgarh Fort, Vijayastambh and Kirtistambh. Now, there are some other pictures on page number 187. इसमें 187 पेज में कुछ और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो राजस्थान में है. लोहागढ़ फोर्ट है उसकी पिक्चर है जो भरतपुर में है. जयगढ़ फोर्ट है जो जयपुर में है. कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद की पिक्चर दी हुई है. और सोनार फोर्ट जैसलमेर में जो है इसकी चार जो फोर्ट है इनकी पिक्चर्स दी हुई है. तो आप इन पिक्चर देखिए, कई बार एग्जाम में पिक्चर्स आ जाती है और आपसे नेम पूछा जाता है कि कौन सा फोर्ट है. इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएंगे तो रणथंभौर फोर्ट की पिक्चर दी हुई है. थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, छोटी सी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन, डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है. रणथंभौर फोर्ट, ये जो फोर्ट है इट इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सवाई माधोपुर. ये सवाई माधोपुर में है. इन दिस फोर्ट देयर इज अ टेंपल ऑफ थ्री आई गणेश. ये मैंने आपको बता दिया था शायद, इसमें थ्री आईज वाले तीन आंखों वाले गणेश जो है उनकी एक मंदिर है. वहाँ पे द फेयर ऑफ गणेश चतुर्थी इज हेल्ड देयर. यहाँ पे गणेश चतुर्थी का मेला लगता है गणेश चतुर्थी में. The greatest importance of this fort is that first Shaka of Rajasthan started from here in 1301. सबसे important बात ये है इस fort की कि शाक जो थे, शक king था, एक empire था kings का, राजाओं का. तो वो शक जो राजाओं ने अपना empire यहीं से 1301 में start किया था. शक राजा के जो वंशज थे, शक राजा को. clear? Now मेहरानगढ़ fort. This fort is गिरी fort too. ये गिरी फोर्ट है मतलब कि पहाड़ों पे बना हुआ है. इट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर. ये कहाँ पर है मेहरानगढ़ फोर्ट? जोधपुर में. और इसको चिड़िया टोंग फोर्ट भी कहा जाता है, इसका अदर नेम है चिड़िया टोंग. नाउ थर्ड पिक्चर देखिए कुंभलगढ़ फोर्ट की. ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है और इसको आईज ऑफ मेवाड़ कहा जाता है. महाराणा कुंभ ने इसको बनवाया था अपनी क्वीन की मेमोरी में 50th सेंचुरी में. इट इज ओल्डन डेज. इन द ओल्डन डेज द राजा एंड महाराजा बिल्ड वेरियस फोर्ट्स. बिग गेट्स ऑफ द फोर्ट्स वर क्लोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनवेंडिंग आर्मीज. उसमें बड़े बड़े गेट हमें पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि फोर्ट में बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे. एक तो एलिफेंट की एंट्री इजीली हो जाए उसके लिए, दूसरा एनिमीज जो है उनसे भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. किंग वगैरह जो है इसके भी बड़े बड़े गेट्स को बनाया जाता था. फूड स्टफ एंड अदर वेपनरीज वर ऑल्सो स्टोर्ड इन द फोर्ट. इसके अलावा फोर्ट में जो फूड है, फूड आइटम, वो स्टोर करके रखा जाता था. और वेपनरीज मतलब वेपन्स, हथियार जो है वो भी रखे जाते थे कि अगर किसी का अटैक हो जाता है तो उस समय फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, मतलब खाने की जरूरतें जो पूरी हो जाए और साथ में जो वेपन है उनसे अटैक भी किया जा सके. तो फोर्ट में ये सब चीज़ें स्टोर करके रखी जाती थी. देयर आर वेरियस, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का म्यूजियम. There are various galleries in Mehrangarh Museum. One of them, the Turban Gallery, which seek to preserve, document and display various types of turbans once prevalent in Rajasthan. Mehrangarh जो म्यूजियम है ये जोधपुर में है. यहाँ पर एक है ना बहुत बड़ा म्यूजियम है टर्बन का. टर्बन में होता है पगड़ी, जहाँ पर बहुत सारी पगड़ियाँ, डिफरेंट टाइप के टर्बन्स जो हैं जो राजस्थान में पहनी जाती है, यूज की जाती थी और अभी भी की जाती है, उनको डिस्प्ले किया गया है, दिखाया गया है. एवरी कम्युनिटी रीजन एंड फेस्टिवल हैड इट्स ओन हेड गियर. क्योंकि हमारे राजस्थान में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेड गियर्स यानी पगड़ी पहनी जाती है. इसके अलावा भी पूरे राजस्थान में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जहाँ पर जो हमारी ओल्डन टाइम की, एंशियंट टाइम की डिफरेंट थिंग्स होती, चीज़ें जैसे उस समय पहने जाने वाले ऑर्नामेंट जो है औजार, या फिर वेपन्स हैं औजार, उस समय के क्लोथ्स कपड़े हैं, और उस समय के मिलने वाले जो कॉइन्स हैं उन सबको रखा जाता है संभाल करके. और म्यूजियम में जाकर के हम उनको देख सकते हैं और हम उस समय के जो चलन उन चीज़ों को देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय किस तरह की कॉइन्स चलते थे, किस तरह की ज्वेलरी चलती थी, तो हम उससे सीख सकते हैं. तो ये म्यूजियम में हम जाकर के देख सकते हैं. नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड. सो द क्वेश्चन आंसर आर रिमेनिंग एंड द क्वेश्चन आंसर आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड लर्न द चैप्टर. ओके.